भारत स्वाभिमान न्यास के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पतंजलि परिवार गिरिडीह की ओर से एक कार्यक्रम गिरिडीह कॉलेज के नजदीक एकल विद्यालय में आयोजित किया गया। यहां सर्वप्रथम हवन कार्यक्रम पूरा हुआ। हवन में विभिन्न प्रकार के औषधीय जड़ी बूटी और शुद्ध गाय के देसी घी से आहुति दी गई। बताया गया कि हवन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि हवन से दूषित वातावरण स्वच्छ और साफ होता है और कई प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है। इसको लोग प्रेरणा स्वरूप मानकर अपने घर पर 7 दिन या 1 महीने में इस तरह का यज्ञ कर सकते हैं ताकि घर का वातावरण स्वच्छ और शुद्ध रहे। हवन के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित पतंजलि झारखंड के सहराज्य प्रभारी रास बिहारी तिवारी, एकल विद्यालय के प्रभारी मृत्युंजय, राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहास आदि ने दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद जिला प्रभारी नवीनकांत सिंह ने संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इन्होंने बताया कि वर्ष 2020 काफी संघर्षशील रहा है। 2020 में सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 आई, जिसके कारण बहुत सारा कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन पतंजलि योगपीठ ने कोरोना काल में भी जरूरतमंदों के बीच भोजन व्यवस्था, अनाज का वितरण, वस्त्र वितरण आदि कार्यक्रम देश भर में किया। इसके लिए गिरिडीह से भी सहयोग राशि जमा कर केंद्र को भेजा गया था, जिससे कोरोना जांच मशीन और 25 करोड़ रुपए पतंजलि के द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया गया। यहां कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान गीत संगीत से माहौल काफी आनंदित रहा। यहां गढ़वा से आए राज्य प्रभारी ने कहा कि पतंजलि काफी लंबे अरसे से योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के अलावे भी अन्य कई क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सेवा का कार्य करती आ रही है और गिरिडीह जिला भी इसके लिए काफी आगे है। यहाँ के कार्यकर्ता तत्पर रहते हैं। कहा गया कि युवा प्रभारी रणधीर, पतंजलि योग समिति के प्रभारी परमेंद्र, किसान सेवा समिति के प्रभारी गौतम विश्वकर्मा, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति आदि की भूमिका काफी सक्रिय रहती है। कहा कि योग की महिमा से सभी अवगत हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास लगाएं और इसे BST ऐप पर रिपोर्ट करें ताकि आपके कार्य की समीक्षा केंद्रीय स्तर पर हो सके। कार्यक्रम में कार्यकारिणी सदस्य ब्रजकिशोर गुप्ता, उमादेव वर्मा, चंद्रगुप्त शर्मा, महामंत्री प्रेमलता, पूनम गुप्ता, रेखा, अनुपमा, मधु सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। हम अपने पतंजलि की स्थापना के 26वें वर्ष के स्थापना समारोह के अवसर पर कर रहे हैं, जिसकी एक कड़ी है। इसके पहले कार्यक्रम दूसरे प्रखंड में कहीं हो चुका है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी का जो मिशन है, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के इस अभियान को हमें घर घर तक पहुंचाना है। और आज के कार्यक्रम में हमारे जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, वे यही संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कार्यक्रम का। कहाँ कहाँ से आए हुए? अपने 13 प्रखंड हैं। 13 प्रखंड से 13 प्रखंड से हमारे जो है कार्यकर्ता जुटे हैं, 1-2-4 की संख्या में। पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान न्यास, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, यानी कि पतंजलि परिवार का पूरा जो स्थापना दिवस है, ये 26 साल पूर्ण होने के उपरांत, यूँ तो 5 जनवरी को स्थापना दिवस है, लेकिन पूरे सप्ताह तक अलग अलग स्थानों पर, जिला के अलग अलग स्थानों पर हम लोगों ने मनाने का ये रखा है, लक्ष्य रखा है। तो उसी कड़ी में आज खंडोली में हम लोग इसको मना रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी का आगमन हुआ है। इसका उद्देश्य है कि संगठन की और मजबूती प्रदान करना, संगठन में और मजबूती प्रदान करना, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी को घर घर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है, इस माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और आज हवन, गीत संगीत और गोष्ठी के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, साथ ही साथ एक वनभोज भी का आयोजन किया गया है। ओके।